इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले सेकेंड टी20 मैच से पहले उमरान मलिक ने एक बार फिर से 164 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बॉल फेंकी, जिस पर ऋषभ पंत लड़खड़ा गए। अभी तक के ब्यास मुकाबलों में किसी भी बॉलर द्वारा सबसे तेज बॉल है। उमरान मलिक ने खुद बताया कि वे अपनी स्पीड पर फोकस बना रहे हैं, इसी रफ्तार से बॉलिंग को कराएंगे। वहीं BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी उमरान मलिक की रफ्तार को देखकर हैरान नजर आए और उन्होंने कहा कि उमरान मलिक को जल्दी टीम इंडिया में मौका मिलेगा। अब देखना है उमरान मलिक को क्या सेकेंड टी20 मुकाबले में खेलने का चांस मिलेगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।